सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज के डीसी राम निवास यादव समेत उनके कई करीबियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड मारी है। रातू रोड के शिवपुरी स्थित अभिषेक प्रसाद के घर बुधवार 3 जनवरी की सुबह दो गाड़ियों से ईडी की टीम पहुंचकर छापेमारी कर रही है। सीएम के प्रेस सलाहकार के घर के बाहर सुरक्षा बल भी तैनात है। किसी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईडी की टीम सीएम के मित्र कहे जाने वाले विनोद सिंह और आर्किटेक्ट रोशन के रातू रोड के पिस्का मोड़ स्थित आवास पहुंचकर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम रांची, साहिबगंज, देवघर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार समेत कई ठिकानों पर ईडी की टीम तलाशी कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के रातू रोड स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। केवल राजधानी रांची के ही करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। फिलहाल ईडी की टीम बिरसा मुंडा कारा पहुंची है। खबर है कि रातू स्थित अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास और विनोद सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू सीएम के प्रेस सलाहकार है। वहीं विनोद सिंह ग्रीड आर्किटेक्ट के मालिक है। उनके अड़गोड़ा सहित कई ठिकानों पर ईडी ने रेड भी की है। ईडी ने यह छापेमारी अवैध खनन मामले में की है। साहिबगंज डीसी के आवास पर भी ईडी की छापेमारी की सूचना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।